प्रीव्यू। नदीम भाई, अभी जैसा कि हमको मालूम पड़ा कि जो प्रिंस, जो अपने आप को प्रिंस बताते दिलशाद जहां जी, तो उन पे ऐसा हमको मालूम पड़ा है कि आज FIR हुई है जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके सूत्र है वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं देश विकास न्यूज़ चैनल और हमारी महाराष्ट्र टुडे को ये बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी सोर्सेस है, जहाँ से भी आपको ये पता चलता है, काफ़ी विश्वसनीय सूत्र है आपके, क्योंकि आपको जो भी पता चला है काफ़ी सही पता चला है। देखिए कैसे है, ये जो दिलशाद अली खान है, हैदराबाद के रहने वाले हैं, जो पिछले कई सालों से औरंगाबाद में रह रहे हैं। पहले ये औरंगाबाद के अलंकार होटल में रहते थे, उसके बाद इन्होंने हड़को कॉर्नर पर जो है अपना एक किराए के फ्लैट में बसेरा किया था। इन्होंने पिछले 1.5 सालों में औरंगाबाद में रहते हुए औरंगाबाद का बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब किया हुआ है। इन्होंने माहौल इस तरह से ख़राब किया, पहली बात तो मैं आपको अपने, जैसे आपने FIR के बारे में पूछा है, मैं आपको FIR के बारे में बता दूँ कि ये जो FIR है, ये दिलशाद अली खान उर्फ दिलशाद झा पर हुई है, जिसमें उन पे भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 420, 409, 406, 506 ऐसे जो है सेक्शन लगे हुए हैं 400 BC और धोखाधड़ी के, जहाँ पे इन्होंने हिमायत बाग में जो निज़ाम की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो ज़मीन हमको उन्होंने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बोलकर बेची थी सितंबर 2019 में, जिसका उन्होंने निज़ाम का नाम लिखा हुआ एक 712-712 का पेज भी लगाया था, और सेल डीड में उन्होंने जो है चतुर सीमा के हिसाब से हमको कबीर बाग के यहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन का पोजीशन भी दिया था। अब सारी चीज़ें तो सही चल रही थी, बट ऐसा बीच में सुनने में आया था पिछले 3 महीने पहले कि दिलशाद झा ने औरंगाबाद की जो ज़मीन 1 एकड़ मुझे बेची है, वो उन्हें बाद में पता चला है कि वो बहुत बड़ी ज़मीन है, और उन्होंने हैदराबाद के किसी एक बहुत बड़े व्यापारी से उस ज़मीन का सौदा कर लिया है, और उनको ये भी पता चला कि उन्होंने मुझे ये जो ज़मीन 25 लाख के बदले दी थी, वो ज़मीन की कीमत उससे कई गुना ज़्यादा है, ऐसा उन्हें पता चला। तो उन्होंने आज से 2 महीना पहले नौखंडा कॉलेज के किराएदारों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, जिसमें निज़ाम औकाफ ट्रस्ट की तरफ से अपॉइंटेड जो केयर टेकर्स नौखंडा कॉलेज में थे, उन सभी के ऊपर उन्होंने झूठे आरोप लगाए, एलिगेशंस लगाए। महिला फरियादी ने झूठ बोलकर ऐसे लोगों के नाम लिए जो दवाखाने में पेट कट के पड़े हुए थे, जो चल भी नहीं सकते थे सहारे के बिना, और महिला फरियादी ने पुलिस को गुमराह करके, दिशा भूल करके ऐसे बयान दिए, जिसमें महिला फरियादी होने की वजह से, देखिए हमारी जो पुलिस है वो काफ़ी सक्षम है, मगर महिला फरियादी होने की वजह से FIR जो होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो उनको लेना पड़ा। दिशा झा ने वो FIR का पूरा फ़ायदा उठाकर जमीर पटेल नाम के जो व्यक्ति है, जो हैदराबाद से ही है, और जो मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, ये जो सोल सक्सेसर है मुकरम झा, 8वें निज़ाम के केयर टेकर है नौखंडा पैलेस के, इन सभी को इस जुड़े षड्यंत्र में फंसाया, और उनके ऊपर एक FIR भी हुई कि इन्होंने महिलाओं को मारा और महिलाओं ने इनके ऊपर ऐसा बोला वैसा बोला। बहरहाल ये जो भी चीज़ें हुई थी, ये 2 अप्रैल को हुई थी। उसके तुरंत बाद 3 अप्रैल को दिलशाद झा ने 11-12 बजे के करीब अपने कुछ साथियों के साथ नौखंडा कॉलेज में एंट्री की, और जो केयर टेकर्स, अपॉइंटेड केयर टेकर्स थे नौखंडा के, उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठा के नौखंडा कॉलेज का ताला तोड़ा, और 2 तारीख का प्रकरण किसी को पता ना चले, वहाँ से उन्होंने HDR या DVR जो भी कहते हैं CCTV फुटेज, वो चुरा लिए, जिसके मीडिया में आज भी सबूत मौजूद है, जिसमें से एक सबूत आप देश विकास चैनल पे भी मैंने देखा था, जहाँ पे आपने भी एक न्यूज़ डाली थी नौखंडा कॉलेज में, जिसमें वो ताला तोड़ते हुए दिख रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। तो दुनिया के सामने तो इन्होंने ताला तोड़ा, अंदर गए, मगर उसके बाद इन्होंने क्या किया ये किसी को पता नहीं। इन्होंने उसके बाद वहाँ से जो भी चोरी की है, मुझे जहाँ तक पता है कि चोरी की, दरोड़ी की भी उनके खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन हुई है। ये करने के बाद जब इनका ये षड्यंत्र सक्सेसफुल हो गया, जब जमीर पटेल और जमीर पटेल के साथ जो अपॉइंटेड केयर टेकर्स थे निज़ाम औकाफ ट्रस्ट के, जब ये लोग पुलिस में अरेस्ट हो गए,
अब्दुल हमीद नाम का जो व्यक्ति है, जब इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो इनको ये लगा कि क्यों ना इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाकर नदीम को भी ब्लैकमेल करूँ। इन्होंने उसी महिला फरियादी के शौहर हस्बैंड को, कुछ अफसर नाम है इसका, रिक्शा ड्राइवर है ये, या अजहर, अजहर या अफसर उसका कुछ नाम है, रिक्शा ड्राइवर है, नौखंडा कॉलेज के अंदर ही एनक्रोचर है ये। ये खुद जबरदस्ती वहां पर बैठे हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जमीन पे कब्जा करके, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि किरायेदार किरायेदार, और ये तो कहते हैं कि हम किरायेदार भी नहीं, हमने कभी किराया भी नहीं दिया। इनको मेरे घर पे भेजा, जिसके कई सारे सीसीटीवी फुटेज आपको मिल जाएंगे, और इन्होंने तो पहले आकर मुझसे ये कहा कि दिलशाद झा ने आपको की हुई सेल डीड वापिस मंगाई है। डेढ़ साल पहले दिलशाद झा मेरे को एक सेल डीड करके देते हैं, और 2 अप्रैल के झगड़े के 2 दिन या 3 दिन के बाद वो एक रिक्शा ड्राइवर को, जिसका अफसर या अजहर नाम है, जो नौखंडा कॉलेज का एनक्रोचर है, जो खुद इलीगली वहां पे रह रहा है, उसको मेरे पास भिजाते हैं और कहते हैं कि सेल डीड वापिस दे दो, नहीं तो नौखंडा कॉलेज के प्रकरण में भी तुम्हारा नाम डाल दिया जाएगा। देखिए, मुझे तो अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पे हमेशा भरोसा था, भरोसा है और भरोसा रहेगा। और क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मुझे महाराष्ट्र पुलिस पर भी उतना ही यकीन है जितना भारत के संविधान पर। मैंने ये तभी के तभी ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस को ऑनलाइन कंप्लेन साझा की थी, जिसमें मैंने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को भी ये कंप्लेन साझा की थी, और आर्थिक गुनेह शाखा के इंस्पेक्टर को भी मैंने ये कंप्लेंट साझा की थी कि ये इस तरह से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आपने सेल डीड वापस नहीं दी तो किसी भी फर्जी एफआईआर में आपका नाम डाल देंगे। सारी चीजें थी, एफआईआर में मेरा नाम नहीं था अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मुझे जहां तक पता है कि कहीं ना कहीं ये एक स्थिति निर्माण कर रहे थे कि नदीम को किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी फर्जी केस में फंसाया जाए और उसमें उसको प्रेशराइज करके नदीम से सेल डीड वापिस मांगी जाए, क्योंकि एक ही जगह दो लोगों को तो बेच नहीं सकते, और इनका एक बहुत बड़ा सौदा हैदराबाद के किसी व्यापारी के साथ हो गया था। बहरहाल मैंने तो इनको सेल डीड वापस नहीं दी, इसीलिए 31 तारीख का जो मसला हुआ, इसमें इन्होंने क्या किया, जब जमीर पटेल के और केयर टेकर्स को निज़ाम औकाफ ट्रस्ट से अपॉइंट किया, उनको जब फंसाया, उसमें उन्होंने मुझे भी फंसाने की कोशिश की और कई दबाव किए। पहले तो मेरी सेल डीड वापस मांगी गई, जब सेल डीड वापस देने से मैंने इनकार कर दिया तो उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई कि सेल डीड वापस दो, नहीं तो किसको भी बोल के तुमको मारा देंगे, औरंगाबाद में आजकल नशा बहुत चल रहा है, किसको भी तुमको बोल के मारा देंगे। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मेरी इसमें मदद की, महाराष्ट्र पुलिस का, खास करके जो पुलिस निरीक्षक है बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के, सहायक आयुक्त जोन साहब, हमारे जो डीसीपी सर हैं, हमारे जो कमिश्नर, ऑनरेबल कमिश्नर ऑफ पुलिस है जो हमारे निखिल गुप्ता सर हैं, इन सभी ने इतना अच्छा काम इसके अंदर किया कि ये 2 महीने के अंदर इसका सारा का सारा जो पोल है, जो षड्यंत्र है, ये खुल के सामने आ गया। इसने 21 तारीख का फर्जीवाड़ा रच के, एक ऑर्गेनाइज क्राइम रच के इन लोगों को फंसाया, और उसके 2 या 3 दिन 4 दिन के बाद ये लोग जो दूसरी निजाम की जो जमीन थी हिमायतबाग में, जहां पर ये बैठते थे, वहां पर भी इसने क्या किया, एनक्रोच कर लिया। एनक्रोच करने के बाद लॉकडाउन का फायदा उठाकर इसने ये देखा कि ना ये आ सकते हैं ना नदीम आ सकता है, इसने पूरी 15 एकड़ जमीन पे फैब्रिकेशन का काम करवा दिया, टीन का काम करवा दिया, और मार्केट से हमको ये संदेश भेजा है कि अगर तुम ये जमीन पे आओ बेटे, तुम्हारे को देखो अंदर ही दफन कर देंगे। इस तरह के संदेश भी इन्होंने हमसे मार्केट से भिजाए। बरहाल हमको उनसे डर नहीं था, मगर हम लॉकडाउन की वजह से वो जमीन पे गए नहीं, मगर अल्लाह पे और महाराष्ट्र पुलिस पे इतना ज्यादा भरोसा था और डॉक्टर बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान पे इतना ज्यादा भरोसा था कि 2 महीने के अंदर ही वहां पर ऑनरेबल हमारे औरंगाबाद के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर सर है सुनील चौहान सर, और महानगर पालिका के जो एडमिनिस्ट्रेटर है अस्तिक कुमार सर, इन्होंने वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ, पुलिस बंदोबस्त के साथ कार्रवाई की और वहां से इनको उखाड़ फेंका कि आप ऐसे कैसे किसी भी जमीन के ऊपर विदाउट परमिशन, अपने आप को निजाम के वंशज भी कहते हो, बिना परमिशन के आप ऐसे काम भी करते, उखाड़ फेंका। उखाड़ फेंकने में हमको तो उस टाइम पर क्या हुआ पता नहीं, मगर दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा तो पता चला कि जब पुलिस प्रशासन और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ये संयुक्त कार्रवाई हुई, तब वहां पर बुलडोजर घुमाते हुए जब इन्होंने देखा कि पूरा मैदान साफ कर दिया, हमारे औरंगाबाद के हरे भरे हजारों झाड़ काट दिए, जिसमें चंदन के झाड़ थे, नीम के झाड़ थे, ऐसे कई झाड़ इन्होंने काट दिए, वहां पर अल्लाह की इसको मार पड़ी इतने हरे भरे हजारों झाड़ काटने की, और वो बुलडोजर घुमाते टाइम वहां पर पुलिस को जानलेवा हथियार मिले
और पुलिस खुद इसमें जो है फरियादी बनी और पुलिस ने जो है इसमें एक एफआईआर भी दर्ज किया है। 31 तारीख का अगर आप एफआईआर देखेंगे तो आर्म्स एक्ट में भी इनके ऊपर जो है एफआईआर हुई है, ये उसमें भी आरोपी है। ये फरार हो गए थे अपने एक साथी सैयद फैयाज अहमद की गाड़ी में ये फरार हुए थे, जो पटेल प्राइड सादात नगर में रहते हैं। ये फैयाज अहमद ये दिलचार जाके हर क्राइम में सहयोगी है। अगर आप देखेंगे इसकी लाल कलर की माइक्रा गाड़ी हर गुनाह में शामिल हुई है। नौखंडा कॉलेज में जब ये ताला तोड़ने के लिए जा रहे थे तब भी इसकी गाड़ी दिलचार झा की गाड़ी के साथ थी। जब ये हिमायतबाग से फरार हुआ तब भी इसकी गाड़ी थी। ये जब दिलचार झा के ऊपर 31 तारीख को आर्म्स एक्ट में जब एफआईआर हुआ तब भी दिलचार झा औरंगाबाद में इसी की गाड़ी में घूम रहा था। रोशनगढ़ में कई लोगों ने इसको घूमते हुए देखा भैया की गाड़ी में। MS02BT1919 इसकी गाड़ी का नंबर है। ये दिलचार झा के हर क्राइम में दिलचार झा का पार्टनर है। इसका नाम है फैयाज अहमद। इन्होंने भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, इन्होंने भी मुझे दबाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने मुझे हक पे रखा क्योंकि मैं हक पर था और अल्लाह ने इनसे बदला लिया। और आज 18 जून 2021 शाम में 7 बजे दिलचार झा के ऊपर फिर से पुलिस डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र पुलिस, औरंगाबाद पुलिस, थाना निरीक्षक, सहायक आयुक्त साहब, DCP जोन सर, हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर, इन सभी के पूरी जो मेरी सेल लीड थी उन्होंने देखा कि किस तरह से इसने मुझे फॉर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करके किस तरह से इसने मुझे ज़मीन बेची, किस तरह से मुझे इसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन समेत हैदराबाद बुलाकर भी 10 लाख लिए, औरंगाबाद में अलंकार होटल में रहते हुए भी 15 लाख लिए, इस तरह से किस तरह से इसने मुझे 25 लाख की फसल में की और बाद में ज़मीन वही ज़मीन किसी और से सौदा करने पर मुझसे ये सेल लीड वापिस मांगने लगा। और आज भी जब मैं पुलिस स्टेशन में बैठा था, इसका जो बेटा है महशार, ये जानबूझकर मेरे सामने से जा रहा था और बार बार फोन पर बात करके मुझे ये सुना रहा था कि अब देखो ये नदीम को पैसा फंसाते, अब देखो नदीम के ऊपर कैसी फर्जी FIR कराते, नहीं तो कम से कम नौखंडा प्रकरण में तो इसको फंसा के रहेंगे, किसी से भी मरा देंगे, हमारे बाप को फंसाता क्या। तो ये आज भी पुलिस स्टेशन की अगर आप RTI में अगर CCTV फुटेज निकाल सकते तो देखिए किस तरह से उसका बेटा बार बार मेरे सामने घुसकर ये बोल रहा था कि हम नदीम को फंसाएंगे, अब तो फर्जी FIR करेंगे, नहीं तो नौखंडा प्रकरण में आरोपियों को फिर से, फरियादी को फिर से बुला के नदीम का भी नाम डालने लगेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम हमारे बाप को जेल में रहने नहीं देंगे। मगर मैं फिर भी ये आपसे कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र पुलिस, औरंगाबाद पुलिस ने आज इनको अरेस्ट कर लिया है और ये अभी फिलहाल जो है बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के कब्जे में है। ये कितना भी बोल ले, मुझे औरंगाबाद पुलिस पर, महाराष्ट्र पुलिस पर, भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है और अल्लाह पर पूरा यकीन है कि अल्लाह ने मुझ पर मुझे हक पे रहने पर ये कामयाबी दिलाई है और आज दिशा झा के ऊपर ही फिर से। अच्छा, आज एक लास्ट क्वेश्चन, पुलिस को क्या बिना पे उन्होंने उनको FIR किया? लेकिन मेरे पास जो है एक सेल डीड थी जी, जिसपे इन्होंने सर्वे नंबर 104 जिसपे आला हजरत निजाम हिज एग्जॉल्टेड हाइनेस HEH टाइटुलर लिखा हुआ है, ऐसा एक 712 लगाकर एक सेल डीड की जिसपे 712 पे सर्वे नंबर 104 है, नाम लिखा हुआ है आला हजरत निजाम, और एक सेल डीड इन्होंने मुझे कर दी थी जिसपे चतुर सीमा जो है हिमायत बाग की एक ऐसी जगह पे डाली हुई जो कबीर बाग के बाजू में है बसरा मस्जिद के पास, तो 712 किसी और जमीन का लगाया, जमीन कोई और दी और इतनी बड़ी फसल की जिसमें 25 लाख रुपए मुझसे लिए गए, जिसमें से मैंने कई लोगों से पैसा उधार लिया था, आज लोग जिससे मैंने पैसा उधार लिया था वो तो मुझसे मांग ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ ये मुझे जान से मारने की भी धमकी देते हैं, फर्जी FIR में किसी भी कंप्लेन में मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं, कभी कहते हैं नौखंडा प्रकरण में फंसाएंगे, तो कभी कहते हैं देखो ये केस में फंसाएंगे। तो ये जो है खास करके इनका बेटा महशार दिलशाद झा, ये इनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि अगर आप सही में निज़ाम के वंशज हैं तो निज़ाम के वंशज को ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि आप गरीबों को, मजलूमों को, बेगुनाहों को रमज़ान के महीने में झूठे आरोपों में फंसाए कि वो लोग बिना रोज़ा रखे दर दर भटकने पर मजबूर हो जाए। तो आपको ये अल्लाह की मार है और आप अपने दादा, अगर वो आपके दादा है तो मीर उस्मान अली खान सर HEH इज एग्जॉल्टेड हाइनेस आला हजरत निजाम का नाम खराब ना करे। ये वो शख्स है जिसने भारत को चाइना वॉर के टाइम पास्ट टेंस सोना दिया था, तो आप ऐसे निजाम का नाम खराब ना करें। अच्छा, आज आप पुलिस प्रशासन से आपकी क्या मांगे, क्या चाहते हैं आप? देखिए पुलिस प्रशासन ने इसमें बहुत अच्छा काम किया कि इसमें पुलिस प्रशासन को ये पता चल गया था कि ये चोरी इन्होंने की है नौखंडा में 3 तारीख को, 3 अप्रैल 2021 को इन्होंने ताला तोड़ा, तो ताला तोड़ते हुए भी पुलिस के पास फोटोग्राफ्स है, चोरी करते हुए अंदर जाते हुए भी पुलिस के पास प्रूफ है, दरोड़ी के इनके ऊपर जो है एक मीडिया चैनल ने ही जो है जनहित में एक याचिका दी हुई है कि कैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्होंने
प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो पुलिस से अब मेरी और कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि पुलिस ने जो भी किया बहुत अच्छा किया, अपना काम किया और कानून के दायरे में रहकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से किया। तो मैं पुलिस प्रशासन का और इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे सरकार की तरफ से, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने निष्पक्ष जो है इसमें जांच की और मेरे बेगुनाह होते हुए मेरे हक पे होते हुए इन्होंने मेरा साथ दिया, और जिसने मुझे फंसाया था, जिसने मेरी फसवनुक की थी, उनके ऊपर उन्होंने ये अभी अभी पुलिस प्रशासन ने तो जो उनका फर्ज था उन्होंने किया, बिल्कुल जी FIR हो गई। अब यहाँ से पुलिस का रोल खत्म हो जाता है जी, जी। अब यहाँ पर कोर्ट डिसीजन पे बात जाती है जी, जी। आगे आप उसे कोर्ट से क्या अपील करनी है? मैं कोर्ट से, माननीय न्यायालय से मैं ये अपील करूँगा कि ये जो दिलशाद जा है इसकी बहुत गहन तफ्तीश होनी चाहिए कि इसने कब कब किससे किससे कितने कितने पैसे लिए हैं। अगर हो सका तो उसमें ED का समावेश होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइम भी हुआ है। तो जज साहब जो है, क्योंकि ये जो दिशा जा है ये गुनाहों को बेगुनाहों को डराता है, फरियादियों को प्रेशराइज करता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि निज़ाम औकाफ ट्रस्ट ने इसके खिलाफ एक कंप्लेंट दी थी सहायक आयुक्त और पुलिस आयुक्त और बेगमपुरा पुलिस निरीक्षक को कि दिलशाद जहां का निज़ाम से कोई लेना देना नहीं, निज़ाम की ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं, मीर बरकत अली खान मुकरम जहां एक निज़ाम टाइटुलर से कुछ लेना देना नहीं। तो जैसे ही कंप्लेन दी गई, जैसे ही इनको जवाब के लिए बुलाया गया, इन्होंने आकर मीडिया में खुलेआम निज़ाम औकाफ ट्रस्ट के जो लोग हैं, जैसे कि कोई एक फैज खान साहब है, कोई एक फैज जंग साहब है, कोई एक सादरी साहब है, इनको खुले में ढमकाया कि मैं वॉरियर हूं, अब देख मैं तेरा क्या कर दूंगा, तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा। तो मैं ये कहूंगा कि इनको ना लॉकअप में रखिए, इनको जेल में रखकर ही सारी की सारी जांच कीजिए, क्योंकि ये जैसे ही आते हैं बाहर ये मीडिया में या ऐसे ही ब्लैकमेलर्स जो ये जो फरियादी है, झूठे फरियादी है, इनके जरिए ये लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशराइज करते हैं इनको कि आप या तो कंप्लेन वापस लो या तो कॉम्प्रोमाइज करो, नहीं तो आपको झूठे FIR में फंसा दिया जाएगा या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट किलर से जो है आपको मार दिया जाएगा। मैं ना मेरे FIR के ऊपर ये जो इतना बड़ा काम हुआ है, मैं आज पुलिस प्रशासन से, माननीय उच्च न्यायालय से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी जान को दिलशाद जा और दिलशाद जा के साथियों से बहुत बड़ा धोखा है, ये काम बहुत बड़ा है। और अगर मेरी जान को कुछ होता है, मेरी या मेरे परिवार की जान पे या इज्जत पे कोई भी आ जाती है, तो दिलशाद अली खान, दिलशाद झा और उसके साथी इसमें पूरे के पूरे जिम्मेदार रहेंगे। मुझे आ जाती है या मेरी इज्जत पे आ जाती है, क्योंकि इसमें मेरा बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मानसिक मुझे त्रास हुआ है, मेरे को स्ट्रेस हाइप्स नाम की बीमारी हो गई, सिर्फ इसी ये मेंटल प्रेशर में फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है। तो मैं ये खत्म करने से पहले आपसे फिर से कहूंगा कि मेरी जान और मेरी इज्जत को बहुत बड़ा धोखा है दिलशाद झा और उसके सहयोगी से। तो अगर मुझ पर आ जाती है मेरी जान पे, मेरी इज्जत पे, तो इसके लिए दिलशाद झा, दिलशाद अली खान, सन ऑफ इमदाद झा बहादुर, आई एम टेकिंग हिज नेम विद रिस्पेक्ट सर। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम पाशा, मैं भड़कल गिर।